Very good morning, students. I am your teacher. How are you? I hope all of you will be fine. And today I am going to teach you some magic words. Magic words means जादू के शब्द. तो देखो आज हम magic words सीखेंगे. Magic का मतलब क्या होता है? जादू. तो जादू कैसे होगा? जब आप इन वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में यूज़ करोगे तब देखो जिनसे आप इन शब्दों को बोलोगे तो वो आपसे बहुत खुश होंगे, आपकी तारीफ करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? मैजिक, जादू, क्योंकि आपने सबको खुश कर दिया, आपसे सब खुश हो गए. तो यही तो है मैजिक. तो चलिए आज हम मैजिक वर्ड्स सीखते हैं. ऐसे कौन से वर्ड हैं जो मैजिक करते हैं, जिनको बोलने से सभी हमसे खुश रहते हैं और हमारी तारीफ भी करते हैं. तो चलो शुरू करें, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है सॉरी. ये वर्ड तो आपने सबने सुना होगा, सॉरी. बच्चों हमें सॉरी कब कहना चाहिए? जब हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है या हमसे कोई काम बिगड़ जाता है, कोई भी गलती होती है, ठीक है, तो तब हमें क्या कहना चाहिए? सॉरी. अब जैसे मान लीजिए आप घर पर हो, आपसे गलती से मेज पर पानी गिर गया और मम्मी आई, पानी गिराया आपने, मम्मी ने आपको डांटना शुरू कर दिया, लेकिन आप मम्मी के कहने से पहले ही आप मम्मा से कहोगे मम्मा सॉरी, तो मम्मा आपसे खुश हो जाएंगी, फिर वो आपको डांटेंगी भी नहीं, क्योंकि आपने क्या कह दिया, क्योंकि आपसे गलती हुई है ना बच्चों, तो आपने कहा सॉरी, तो मम्मी खुश हो गई. अब खुश हो गई तो क्या हुआ? आपको डांट भी नहीं पड़ी, पिटाई भी नहीं लगी. तो ये तो एक जादू हुआ ना, मैजिक. तो सॉरी क्या है? एक मैजिक वर्ड. और मम्मा भी खुश हो गई. तो सॉरी हम जब कोई हमसे मिस्टेक होती है या कोई काम हमसे बिगड़ जाता है, ठीक है, या अनजाने में हमसे किसी को कोई चोट पहुंचती है, तब हम क्या कहते हैं? सॉरी. हमें सॉरी कहना चाहिए. देखिए सेकंड है प्लीज़. अब बच्चों ये भी एक मैजिक वर्ड है. देखो ये अपना मैजिक कैसे करता है. आपने दीदी से कहा दीदी मुझे भी जूस दे दो. अब दीदी जूस पी रही हैं, है ना, अब आपका भी मन कर रहा है जूस पीने का. आप कहोगे दीदी से दीदी मुझे भी जूस पीना है. अब दीदी बोलेंगे चलो मैं नहीं देती, मेरे पास कम है, ज़्यादा नहीं है, मैं नहीं देती. फिर आप काम बिगड़ गया आपका. अब आप दीदी से कहना दीदी प्लीज़. जब आप कहोगे दीदी प्लीज़, ओ फिर आपकी दीदी खुश हो जाएंगी, अरे आपने प्लीज़ बोला. जैसे ही आप प्लीज़ बोलोगे दीदी खुश और आपको जूस मिल जाएगा. तो दीदी बोलेंगी चलो प्लीज़ कह रहे हैं तो चलो जूस दे देते हैं, तो आपको जूस मिल गया. तो प्लीज़ ने क्या किया? मैजिक, एक जादू कर दिया. तो प्लीज़ एक मैजिक वर्ड है. तो प्लीज़ हमें बच्चों क्या कब कहना चाहिए? जब हमें किसी से कुछ काम करवाना है या किसी से कुछ लेना है तो हम प्लीज़ लगा देते हैं. तो प्लीज़ लगाने से जो हम किसी से कुछ अगर हम करने के लिए कह रहे हैं तो वो कर देता है, अगर हम कुछ मांग रहे हैं तो हमें चीज़ मिल जाती है. तो ये प्लीज़ है एक मैजिक वर्ड, एक जादू का शब्द. इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों एक्सक्यूज़ मी. एक्सक्यूज़ मी हम कब कहते हैं? अब जैसे मान लीजिए दो लोग बात कर रहे हैं, जैसे मम्मी पापा बात कर रहे हैं या मम्मी दीदी से बात कर रही हैं या आपके भाई दीदी से बात कर रहे हैं, यानी कोई भी टू पर्सन आपस में बातें करते हैं और आप बीच में कुछ बोलना चाहते हो, तो आप बोलने से पहले आप कहोगे एक्सक्यूज़ मी. क्या कहोगे? एक्सक्यूज़
मी। तो उन्हें लगे ओ आप तो बहुत जानते हो, वो आपसे खुश हो जाएंगे और आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे कि चलो आप बोलना चाहते हो तो आप बोलिए। एकदम एक्सक्यूज मी तब कहते हैं। और बच्चों, हम कुछ काम कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं और हमें उस जगह से हटना है थोड़ी देर के लिए, ओके, तब हम क्या कहेंगे, एक्सक्यूज मी। तो एक्सक्यूज मी कहकर आप वहाँ से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओगे। तो एक्सक्यूज मी एक मैजिक वर्ड है। जब आप ये वर्ड यूज़ करोगे तो सामने वाले को ये पता चल जाएगा भाई ये बच्चा मैनर्स के बारे में जानता है और इसे किस तरह से बात करनी है, किस तरह इसके बिहेव करना है इसे मालूम है, तो वो आपसे खुश होगा। नेक्स्ट है थैंक यू। बच्चों, थैंक यू हम कब कहते हैं, जब हमें कोई कुछ देता है तो हम उसे थैंक यू कहते हैं, ओके। अब जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपको पेंसिल दी तो आप उसे कहोगे थैंक यू। अगर आपने किसी से एड्रेस पूछा कि अंकल ये मतलब ये शॉप कहाँ है, तो अंकल ने आपको बताया बेटा ये शॉप ऐसे जाओ वहाँ है, तो अंकल ने आपको एड्रेस बताया तो आपको अंकल को क्या कहना चाहिए, थैंक यू, ओके। यानी कि जब कोई हमें कुछ देता है या हमारी हेल्प करता है या हमें कुछ एड्रेस पूछने में मतलब किसी भी तरह वो हमारी हेल्प करता है, हेल्प तो अलग अलग तरह की कुछ भी हो सकती है, तब हमें उसे क्या कहना चाहिए, थैंक यू, ओके। तो थैंक यू कहने से जो जिसे आप थैंक यू कहोगे वो आपसे खुश होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मैजिक। अब है वेलकम। बच्चों, हमने थैंक यू तो कह दिया, आपने कहा थैंक यू, तो जिससे आप थैंक यू कह रहे तो उसे कहना चाहिए वेलकम। मान लीजिए आपने एक अंकल को एक शॉप बताई, अंकल को मालूम नहीं वो नए हैं, अंकल ने पूछा बेटा ये शॉप कहाँ है, तो आपने बता दिया अंकल ये शॉप यहाँ है, तो अंकल ने आपसे कहा थैंक यू बेटा, तो आप क्या कहोगे, वेलकम। तो जब कोई आप जब आप किसी से कहते हैं कुछ बताते हैं, आप किसी की हेल्प करते हो तो आपसे थैंक यू कहता है, तब आप थैंक यू सुनकर कहोगे वेलकम। या हमारे घर पर जब गेस्ट आते हैं तब भी हम उनका वेलकम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं मैजिक वर्ड्स जिन्हें हमें अपने बिहेव में फॉलो करना चाहिए, यूज़ करने चाहिए, और इन वर्ड्स को यूज़ करने से सामने वाला जो पर्सन है वो खुश रहता है और आप एक अच्छे इंसान के रूप में जाने जाते हो। तो ये हैं मैजिक वर्ड जिन्हें आपको अपनी लैंग्वेज में यूज़ करना है, इनका ध्यान रखना है, इन्हें बोलना है, मैजिक वर्ड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।